अरे भैया भव्य बिश्नोई के बारे में थोड़ी इनकी क्या उपलब्धि रही है? भव्य बिश्नोई, भव्य बिश्नोई तो जानता ही नहीं है आदमपुर के गांव कितने हैं, कहाँ हैं। भव्य बिश्नोई जो है उसके पास तो तजर्बा ही नहीं है, उसको ना तो ना तो उसको जानते आदमपुर के लोग, ना वो आदमपुर के लोगों जानता है। अभी अभी सुनो, अभी चुनाव लड़े थे, किस नंबर पे आए थे? अभी आपका चुनाव तीसरे नंबर पे आए थे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी अभी है नहीं है। अभी तो उनने मेन बात कौन है, ये चुनाव कुलदीप बिश्नोई लड़ रहे हैं, भव्य बिश्नोई नहीं लड़ रहे, वो तो उनके एक प्रतिनिधि के रूप में लड़ रहे हैं। जैसे मैं मेरा लड़का अभी लड़ा MLA बना चिरंजीव, वो कैप्टन अजय सिंह की वजह से बना था, क्योंकि मेरे जो काम थे मेरे कामों की वजह से बना है। अब भव्य बिश्नोई के पास ये बताए उसके पिता की क्या उपलब्धियां हैं उसके राजनीतिक कैरियर की। भजनलाल जी का समय बहुत पीछे निकल गया। आज जो हालात जो आपको मैंने बताए कि पानी की कमी है, है स्कूलों में टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है, उसके बारे में ये बता दें मेरे को कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई कि उन्होंने आदमपुर के भले के लिए क्या किया। सर आपने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अयोग्य है, विधानसभा में प्रश्न नहीं उठाते हैं, आपकी पार्टी ने उनको CWC का मेंबर बनाया, आपने 2019 में उनको विधानसभा का टिकट दिया, जब उनके अयोध्या देखो भैया ऐसा है कि भजनलाल के बेटे थे, ठीक है, और हमारे यहाँ जब एक पार्टी मर्ज करती है किसी के साथ, उनने अपनी पार्टी मर्ज की थी, हमारी उनकी वाइफ भी MLA थी और वो भी थे, और उनको भजनलाल जी के सर्विसेज को देखते हुए उनके सपुत्र होने के नाते कैप्टन अजय सिंह भी वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं बन पाया है, लेकिन उनको एक स्पेशल तौर पे पार्टी ने उनको वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया, जिसकी आज शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं। मैं जो है भारतीय जो पिछड़ा वर्ग जो है उसका AICC का पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। 35 साल के सर्विसेज के बाद 6 बार विधायक रहा, 3 बार मंत्री रहा, मैं भी CWC का मेंबर नहीं हूं, उनको तो इतना मान सम्मान दिया, बीजेपी क्या दे देगी उनको, किस लिए गए हैं उनसे, मेरा प्रश्न है उनसे, उनको CWC का मेंबर उनको बना दिया, उनके उनको टिकट दी, उनको बेटे को टिकट दे दी थी पिछली बार, और क्या कर दे पार्टी, और क्या दे देंगे बीजेपी वाले बता दें। और बताइए साहब, आप ये कह रहे हैं कि सर जैसा कि भाई कुलदीप बिश्नोई लड़ रहे हैं चुनाव, हाँ, और आपने अपना भी उदाहरण दिया कि चिरंजीव राव को भी मेरी वजह से नहीं, नहीं चिरंजीव राव के बारे में एक ही बात कि वो प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, मैं कह रहा हूँ मेरी वजह जीते, टिकट तो उनको मिली क्योंकि प्रदेश यूथ कांग्रेस के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, NSOI में रहे 15 साल तक, उन्होंने पार्टी किया कार्य किया, योग्यता के आधार पर उनको टिकट मिली थी, लेकिन मेरे जो कार्य थे मेरे कार्य को देखते हुए और मेरे जो पिता थे स्वर्गीय राव अभय सिंह जी, तो 3 बार विधायक रहे थे जॉइंट पंजाब में, हम सबके जो साथियों ने मिलकर और पार्टी का भी ये थोड़ी ना कि भी भजनलाल जी के ऊपर कुलदीप बिश्नोई जी को टिकट दे दी, कुलदीप बिश्नोई के कारण भव्य बिश्नोई को लोकसभा की टिकट दे दी, और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी मतलब कुलदीप बिश्नोई के कारण भव्य बिश्नोई को टिकट दे दी, तो मतलब दोनों पार्टियां परिवारवाद का पूरा पोषण कर रही है। ऐसा नहीं, देखो हमने तो कभी परिवारवाद की बात तो बीजेपी करती है भाई, हमने तो कभी परिवारवाद की, इनका कौन सा परिवार, सिंधिया परिवार के परिवारवाद नहीं है क्या, अरे भैया दो हमने तो कभी परिवारवाद की बात उठाई नहीं है, ये तो बीजेपी वाले उठाते हैं परिवारवाद, उनका दोमल बात देख लीजिए आप, है आपका इनके जो है कितने नेता है राजनाथ ही देख लीजिए आप, कितने आपके गडकरी जी को देख लीजिए आप, मैं कितने नेताओं के गिनाऊ जिनके आप, ये तो इनका भारतीय जनता पार्टी का ये तो दलाल थे अंग्रेजों के, इन्होंने देश की आजादी में लड़ाई थोड़ी लड़ी थी, दलाल थे RSS के लोग, तो क्या लगता है भव्य बिश्नोई जी के ऊपर आत्मसमर्पण मुकदमा दर्ज है, उनके भव्य बिश्नोई के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, उनके माता पिता पे आपराधिक मुकदमे दर्ज है, भजनलाल जी की अगर परंपरा की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, तो भजनलाल जी पहले वो व्यक्ति थे जिसने आयराम बयराम की नींव और CBI के डर से बीजेपी में गए हैं भैया, ये बात करो आप समझो जरा। कैप्टन साहब,
अगर आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो लगातार पिछले कुछ दिनों से जातिगत ध्रुवीकरण हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? खासकर कोई जाति सुन लीजिए, जैसा कि कुलदीप सिंह लगातार कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह दहरी के दलित विरोधी है, उनके आरोपों को उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस पार्टी में 36 बिरादरी के लोग हैं, और कोई एक ध्रुवीकरण पहली बात तो आदमपुर में हो नहीं रहा है, बैकवर्ड की वोट मिल रही है हमें, एससी की वोट मिल रही है, हमारे जितने भी देवराम जांगड़ा जी जो हैं, रमेश सैनी जी हैं, ये सैनी साहब हैं, मैं यादव हूँ, हम लोग आपको हमें से कौन यहाँ जाट बैठा हुआ है भाई? ध्रुवीकरण कहाँ हो रहा है? कोई ध्रुवीकरण नहीं हो रहा, केवल ये एक प्रचार है। ये कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं 75% 25, मेरे सामने भी एक दिन कहा, राहुल गांधी जी बैठे थे उनके सामने कहा 75% 25, मैंने कहा भैया इन बातों को भूल जाओ, इन्हीं बातों की वजह से तुम लोग चुनाव हारे हो। तीसरे नंबर, ये जातिवादी की बात करना गलत है, कोई भी पार्टी एक जाति की वजह से नहीं चल सकती है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें सबका साझा है। हम कह रहे हैं कि अगर ये तो धोखा किया है जो हमारे साथ, ये तो हमने थोड़ा ना कराया है उपचुनाव, उपचुनाव तो कुलदीप बिश्नोई ने कराया है पार्टी छोड़ के, तो हम तो ये कह रहे हैं कि इनको सबक सिखाओ, कुलदीप बिश्नोई जी को जो बार बार पार्टी बदलते हैं, पलटू राम जी जो बन रहे हैं बार बार पलटी मार रहे हैं, और साथ साथ हमें एक मैसेज जाना चाहिए जनता के बीच में कि आप कहीं भी रहे, पत्थर एक जगह भारी रहता। मैं कैप्टन अजय सिंह को है, आज जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मेरे पास भी 2014 में बहुत सारे राव इंद्रजीत सिंह जी पहुंच गए थे बीजेपी में, मेरे को भी ऑफर आया था, रामविलास शर्मा जी ने बकायदा मुझे कहा था कि आपको टिकट देंगे, मैं नहीं गया, तो मैं नहीं बना तो मेरा बेटा बन गया एमएलए। और मैं ये चाहता हूं कि इस आदमपुर की जनता, जो मैंने एक बात बताई है, सड़कें नहीं है, अस्पताल में पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में, और कुलदीप बिश्नोई जी ने पिछले 3-4 महीने तो हो गए उनको पार्टी में, ऐसी कौन सी घोषणा करवाई है आदमपुर के भले के लिए जिसके लिए वोट लेने का हकदार है? हम कह रहे हैं कि पार्टी के साथ उन्होंने धोखा किया है, कांग्रेस पार्टी के साथ, और एक सांप्रदायिक पार्टी जो हर जिसने देश में उन्माद फैला रखा है उनके खिलाफ ये चल रहा है। तो अगर इस बार फिर दोबारा कांग्रेस का नोक किया तो आप एंट्री करने देंगे? काल्पनिक प्रश्न है, इससे जवाब मैं कैसे? और ये तो पार्टी हाईकमांड डिसाइड करती कौन आता है कौन नहीं आता। थैंक यू।